Hello guys, how are you? Me Diwakar Rajput. Welcome to all of you, the official channel of Diwakar Education Hub. So guys, जैसे कि मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, जैसे ही भी कोई यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालती है अबाउट PhD और MPhil, तो गाइज यहाँ पर हैज कमिंग ए गुड न्यूज़ फ्रॉम बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी से. इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला है गाइज, ठीक है. सो क्या है इनके नोटिफिकेशन में, जानेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट हम इसके बारे में आज जाने के यहाँ पर, ठीक है. सो गाइस, ये बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इन्होंने इनवाइट किया है फॉर द PhD के लिए, बेसिकली फॉर द एडमिशन ऑफ PhD प्रोग्राम 2019 के लिए. तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है. देखिए, प्रोसीजर है इनका एंट्रेंस टेस्ट. एंट्रेंस टेस्ट उनके लिए जो UGC, नेट, CSR, स्लेट नहीं है, MPhil, ठीक है, या वे रिसर्च फॉलो है, ठीक है, या वे फॉरेनर कैंडिडेट भी है तो उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है. तो इन सब के लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है. अलावा इसके अलावा आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, फिर वाइवा होगा यानी कि इंटरव्यू होगा. ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है. इसके फॉर्म जो है अभी आप इसके डाउनलोड कर सकते हो और मोर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो. ओके गाइस, फिर बात करते हैं यहाँ पर कुछ फीस के बारे में. इन्होंने दे रखा है द एडमिशन फॉर द कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट एंड दोज अपियर इन द एंट्रेंस विल बी द इन द रेशियो ऑफ 50-50 अमाउंग द अवेलेबल वैकेंसी इन ईच डिपार्टमेंट. मतलब कि भाई जितनों का एंट्रेंस टेस्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये दो मेरिट निकाले गए, एक तो उनके लिए जो जिन्हें एग्जेम्प्टेड होगा उनकी अलग मेरिट लगेगी, और जो एंट्रेंस टेस्ट देकर जो क्वालिफाइड करेगी उनके लिए अलग लगेगी. तो 50-50% सीटों का यहाँ पे डिवीज़न होगा. आगे हम देखेंगे किस कितने सब्जेक्ट में ये अवेलेबल है, ठीक है. तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल सबमिट ए ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली द रिमेटिंग द प्रिस्क्राइब फीस ऑफ 3,000 ओनली 2 वर्स ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड एंट्रेंस टेस्ट. और जिनके लिए बिल्कुल जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है उन्हें 2,000 पे करनी है, ठीक है, और फॉरेनर नेशनल्स के लिए 10,000, ठीक है. तो कैंडिडेट फुलफिलिंग द ब्लो मेंशन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड अलोंग शैल अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम. एलिजिबिलिटी क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम है. 55% चाहिए जनरल के लिए, और आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है. मतलब 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है. कैंडिडेट हुआ क्लियर था, देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे क्लियर लिख दिया है UGC, नेट, स्लैड, सेट, गेट, MPhil डिग्री, ठीक है. उनके लिए बेसिकली ये एग्जेम्प्टेड है, फॉरेनर कैंडिडेट के लिए भी एग्जेम्प्टेड है. ऑल एलिजिबल एप्लीकेबल एक्सपेक्ट दोस मेंशन अंडर 1.4 शैल अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है. इसके अलावा जितने भी है ना वो सबको अपीयर करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते हो. एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली 100 मार्क्स होगा. नेचर ऑफ द क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अपीयर इन UGC नेट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका जो भी होगा उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग UGC नेट के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा. ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगी 120 मिनट. एंड और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन द बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल कॉलेज कैंपस बेंगलुरु. तो मतलब जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी, अभी मैंने आपको बताया था गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ पर काफ़ी सारे 4-5 सेंटर थे, देहरादून और दिल्ली, अदर अदर सेंटर्स थे. तो इनका ऐसा नहीं है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जाना पड़ेगा, ठीक है. ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट बाय सिक्योरिंग द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज 50%. तो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज 50% एंड अबव 45 इन द केस ऑफ SC/ST कैटेगरी शैल बी प्रिपेयर्ड इन द इवेंट ऑफ अ टाई इन अ एंट्रेंस स्कोर परसेंटेज स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर फॉर द रैंकिंग. कैंडिडेट हु आर ए सक्सेसफुल इन द एंट्रेंस शैल बी कॉल फॉर द वाइवा यानी कि इंटरव्यू के लिए. ये सेपरेट मेरिट लगेगी इनके लिए, UGC नेट, GRF नेट, स्लेट्स के लिए, इन सब के लिए सेपरेट मेरिट लगेगी. MPhil, फॉरेनर कैंडिडेट, उन सब के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर इन केस ऑफ एंट्रेंस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट वेटेज ऑफ 80% and 20% शैल बी गिवन टू मार्क स्कोर एट ए क्वालिफाइंग एग्जाम एंड वाइवा वॉइस
respectively. The final merit will be valid until the next PhD notification. नेक्स्ट पीएचडी नोटिफिकेशन तक ये मेरी वैलिड होगी. ठीक है, ये भी काफ़ी गुड पॉइंट है. ठीक है, कोर्स वर्क, वैकेंसीज यहाँ पर आ जाते हैं हम. वैकेंसी इंपॉर्टेंट है किन सब्जेक्ट के लिए? आर्ट्स के लिए है. ठीक है, फ्रेंच, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, विजुअल आर्ट्स, ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स है. इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से. ठीक है, देन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. वैकेंसी ठीक ठाक ही है बट कुछ में कम है. जैसे कॉमर्स में 25 है. ठीक है, और जी मैनेजमेंट में 11, और आपका एजुकेशन में 4. ठीक है, इन इतने सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है वैकेंसी पोजीशन इज अ टेंटेटिव है, मे वेरी. ठीक है, इन्होंने लिखा कि ये वेरी कर सकती है, घट या बढ़ सकती है. ठीक है, प्रोसीजर क्या है? बेसिकली आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट. फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शैल अपलोड ए वैलिड स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज 40 एंड द वैलिड ईमेल एड्रेस. द कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी पे द प्रिस्क्राइब फीस ऑनलाइन. उन्हें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा. द हॉल टिकट विल बी जनरेट ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट. तो हॉल टिकट उनके लिए जनरेट होगा जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया. सेट द रजिस्टर्ड ई मेल एड्रेस एंड द कैंडिडेट ई मेल विल कंटेन द यूजर नेम एंड द पासवर्ड. तो ई मेल का जो ई मेल होगा वही यूजर उसका यूजर आई डी होगा. एंड अदर इंस्ट्रक्शन टू फर्दर प्रोसीड विद द कम्प्लेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. अब उसके बाद इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. देर आफ्टर द कैंडिडेट शैल डाउनलोड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन. जो उन्होंने ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें डाउनलोड करने के बाद रिटेन ए कॉपी ऑफ रेफरेंस एंड सबमिट अनदर टू द रजिस्ट्रार बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु. ये आई थिंक ऑफलाइन आपको सेंड करने पड़ेंगे. इसके साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे एंड क्लोजेस, जैसे कि कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ मास्टर डिग्री एम फिल अगर आपका है. ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट, आपका इलेक्ट्रॉनिक जैसा भी आप स्कैन करके भेजे उसे. हाउ एवर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव सबमिट ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट. माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कॉलेज इशू करता है वो भी. प्रूफ ऑफ हैविंग पेड फॉर द रिक्वायर्ड फीस, द कॉपी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली सेंड करनी पड़ेगी द रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु. तो गाइस ये थी कुछ डिटेल्स अबाउट द बेंगलुरु यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन 2019. यहाँ पर गाइज बेसिकली ऐसे कोई डेट्स नहीं दे रखी है कब एंट्रेंस टेस्ट होगा, कब क्या होगा. इसके लिए यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी. वहाँ पर आपको और भी डिटेल यहाँ पर वहाँ पर आपको मिल जाएगी. सो गाइज थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन.